आत्म सम्मान एक ऐसा उपहार है, जब यह किसी व्यक्ति को मिलता है तो वह दुगनी तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है और बहुत जल्द ही सफलता के शिखर तक पहुंच जाता है। एक बार एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा व्यवसायी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में 50 रुपये का नोट डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन के डिब्बे का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि व्यवसायी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिल लूँगा, इन पेंसिलों की कीमत है, आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। इसके बाद वह युवक तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। कुछ वर्षों बाद वह व्यवसायी एक पार्टी में गया, वह भिखारी भी वहाँ मौजूद था। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया और वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने उसके साथ घटी उस पेंसिल वाली घटना का जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझ पर दया करने के बजाय तुम मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है, आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना थैला उठाया और घूम घूम कर पेंसिल बेचने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया। मैं कॉपी किताब और अन्य चीज़ें भी बेचने लगा और आज पूरे शहर में मैं इन चीज़ों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उस घटना ने आज मेरा जीवन ही बदल दिया। दोस्तों, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? खुद के लिए अपने बारे में आपकी राय क्या है? क्या आप अपने आप को ठीक तरह से समझ पाते हैं? इन सारी चीज़ों को हम इनडायरेक्ट रूप से आप सम्मान कहते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बातें उतने मायने नहीं रखती, या कहें तो कुछ भी मायने नहीं रखती। लेकिन आप अपने बारे में क्या राय जाहिर करते हैं और अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन एक बात तय है कि हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने में हम दूसरों को भी करा देते हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि इसी कारण से दूसरे लोग भी हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। याद रखें कि आप सम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहें तो हम आत्म प्रेरित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाएं और आप सम्मान से पूर्ण जीवन जिएं। सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाएं। न बनाओ अपने सफ़र को किसी किश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाएं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।